अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ स्वीट डिश की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उस स्वीट डिश में आज मैं बनाऊँगी ज़रदा राइस। उसके लिए मैं आपको फर्स्टली इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। आधा किलो मैं यहाँ पे राइस यूज़ कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून इसमें मैं दूध ऐड करूँगी, ये चावलों को नरम रखने के लिए यूज़ होता है। 1/2 मग ऑफ चीनी, मैं यहाँ पे थोड़ी चीनी यूज़ कर रही हूँ। आधा किलो चावलों के लिए मोस्टली 1.5 पाव चीनी यूज़ होती है, लेकिन हम मीठा कम यूज़ करते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा यूज़ कर लें। 1 कप ऑफ कुकिंग ऑयल, 9-10 गिरियाँ बादाम की, 3 अदद इलायची, 1 प्याली गिरी, 1/2 टीस्पून इसमें मैं फूड कलर यूज़ करूँगी। ये येलो फूड कलर है, अगर आपको कोई और पसंद हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे ज़रदा राइस बनाने जा रहे हैं इसलिए ये कलर ज़्यादा मुनासिब रहता है। राइस को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, अब मैं इसे वॉश कर लूँगी और फिर इसे मैं आधे घंटे के लिए भिगो दूँगी। चावलों को मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया है, उसे भीगे हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तब तक हम पानी को बॉईल कर लेते हैं जिसमें हमने चावलों को उबालना है। पानी इसमें हम खुला यूज़ करते हैं क्योंकि बाकी पानी को हम फेंक देते हैं। इसके नीचे मैंने हाई फ्लेम ऑन कर दी है और साथ ही हम इसके अंदर येलो फूड कलर यूज़ कर देंगे, ऐड कर देंगे। कलर के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, देखें, इसे इसमें ऐड करके इसे कवर करके हम रख देंगे बॉयल होने के लिए। 20 मिनट के बाद पानी बॉयल होना शुरू हो गया है, अब मैं इसके अंदर राइस ऐड कर दूंगी। राइस ऐड करने के बाद इसे अच्छे से हम मिक्स करेंगे और अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे तेज़ आंच पे। ये देखें, ये बनके तैयार हैं। इन्हें मैंने 10 मिनट के लिए अच्छी तरह पका लिया है, बाकी जब हम इसे दम लगाएंगे तब अच्छी तरह पक जाएंगे। अब मैं इसे छलनी में छान लूँगी इसका सारा पानी। चावलों को मैंने अच्छे से छान लिए छलनी में। अब मैं कढ़ाई लूँगी, उसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी और कुकिंग ऑयल गर्म होने के बाद हम उसमें इलायची ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं इसके अंदर इलायची ऐड कर दूँगी। इलायची का हम इसको तड़का लगाएंगे। इलायची का हमने इसको तड़का लगा लिया है, अब मैं इसके अंदर राइस ऐड करूँगी जो मैंने छलनी में छान लिए थे। एक तह हमने राइस की लगाई है, एक तह हम इसमें चीनी की लगाएंगे। और चीनी के बाद दोबारा चावलों की तह लगा देंगे। और फिर इसके ऊपर चीनी की तह लगाएंगे। ये राइस भी हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। फ्लेम इसके नीचे हाई है, अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि जो हमने इसके अंदर चीनी ऐड की है वो अच्छे से मिक्स हो जाए उसमें। राइस बन के तैयार है, अब मैं इसके ऊपर गिरी ऐड करूँगी। दम लगाने से पहले बादाम ऐड करेंगे, आप और ड्राई फ्रूट भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। और ऊपर से इसके अंदर हम मिल्क ऐड कर देंगे ताकि चावल हमारे नरम रहे। और ढक्कन को रुमाल से कवर करके मैं अब इसे कवर कर दूंगी और इसके नीचे मैं तवा रख दूंगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट हम इसका दम लगाएंगे। पूरे 20 मिनट का मैंने इसे दम लगाया, अब मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूंगी। ये देखें, राइस बन के तैयार हैं। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूंगी। ज़रदा राइस की रेसिपी बनके तैयार है। ये बहुत ही मज़े की रेसिपी है और इसका मैंने आज आपको आसान तरीका बताया।
आप इसे इस तरह ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएंगे। और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।